Hello students, how are you? I hope you have done your last work and now we are going to start very interesting poem that is on the grasshopper and cricket. In front of you, there are two creatures, grasshopper and cricket. Don't you think these two creatures are almost same? Yes, but you know that this grasshopper is known for its colors, bright colors I would say, and this cricket is well known for its sounds, very shrill sounds. And today our poem is based on these two creatures. It symbolizes the summer season and it symbolizes winter season. अब symbolize क्या होता है? Symbolize करना किसी को, किसी भी thing को, किसी place को या किसी non-living thing को, है ना? तो वो symbolize करता है, means जो उस non-living की या उस creature की जो qualities हैं, उसे हम किसी और के साथ कंपेयर करके एग्जैक्टली उस चीज को हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ टू क्रिएचर्स लिए हैं, ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, है ना? तो यहाँ पॉइंट ने इन दो क्रिएचर्स को सिंबलाइज किया है. लाइक ग्रासहॉपर जो है वो हमें कब मिलता है, कब देखने को मिलता है? इन समर्स. तो वो समर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, समर्स को सिंबलाइज कर रहा है. और हियर क्रिकेट जो हमें विंटर्स में देखने को मिलता है, और उसकी साउंड जो है तीखी तीखी, जो श्रिल साउंड जो है वो हमें कब सुनने को मिलती है? इन क्रिकेट, इन विंटर सीजन. सो ये सिंबलाइज करता है विंटर सीजन को. क्लियर? सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम, लेट्स डिस्कस सम फ्यू पॉइंट्स, लाइक अबाउट द पोएट, अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच फॉर श्योर, राइट? सो हियर वी हैव आर चाचा नेहरू. नो, हमारे चाचा नेहरू नहीं, द पोएट ऑफ आर पोएम ऑन द ग्रास ऑपर एंड क्रिकेट, एंड द पोएट इज जॉन कीट्स, वेरी पॉपुलर. लेट्स टॉक अबाउट हिम. ही वॉज अ ब्रिटिश पोएट, नेम से पता चल रहा है ना, ही इज नॉट इंडियन, है ना? डाइड एट एज ऑफ 26. इतनी कम उम्र में एक पर्सन जो है इतना पॉपुलर हो गया है ना. आप सोचो आपकी एज क्या है, लगभग आपकी एज से डबल, आपके मम्मा पापा की एज क्या होगी सोचो, है ना? तो इतनी कम उम्र में 26 की एज तक उन्होंने इतनी पॉइंट्स अच्छी अच्छी लिखी जिनको हम आज भी पढ़ रहे हैं. इतने साल हो चुके हैं उनकी डेथ को, लेकिन आज भी हम उनकी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं. कितना अच्छा काम किया होगा तभी आज उनको याद किया जाता है, उनकी पॉइंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है पढ़ने के लिए बच्चों के. स्ट्रगल बिटवीन हिज मेडिकल करियर एंड राइटिंग एम्बिशंस. ड्यूरिंग हिज लाइफ ही वॉज वेरी कंफ्यूज दैट ही हैज टू चूज मेडिकल लाइन फॉर एज हिज करियर और राइटिंग, जिसमें उनका इंटरेस्ट था, क्या चूज करना चाहिए, इसके लिए वो काफी स्ट्रगल्ड थे, उन्होंने स्ट्रगल किया. मोस्ट ऑफ द पोएम्स वर रिटन बिटवीन 1814 टू 1809. जितनी भी ज्यादा उनकी पॉपुलर पोएम्स हैं, ये जितनी भी उन्होंने लिखी उसमें से ज्यादा पोएम्स उन्होंने लिखी थी 1814 टू 1819. वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ. उनका जो काम था, जितनी भी उन्होंने पोएम्स लिखी पोएट्री की, वो उनके लाइफ टाइम पे कभी इतनी पॉपुलर नहीं थी. लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, आफ्टर डेथ, देखो आज भी उनकी डेथ को कितने साल हो गए, तो आज भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं, तो उनकी डेथ के बाद उन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पोएट जॉन कीट्स. नाउ इट्स अ वेरी सिंपल पोएम. हियर द फिगर ऑफ स्पीच वी विल यूज, द पोएट हैज यूज्ड इवन दैट इज पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी एंड एलिट्रेशन. Personification and alliteration we have already discussed in the last poem. So let's have a slight discussion over it. What is personification? It is the use of words to represent non-living as living, है ना?
नॉन लिविंग, जैसे हमने द ब्रुक में किया था, ब्रुक को क्या है, नॉन लिविंग है ना, इसको हमने क्या किस तरह से रिप्रेजेंट किया, लिविंग की तरह. सेम वैसे ही इस पोएम में भी हम नेचर को, द पोएट हैज यूज नेचर एज लिविंग. ठीक है. नेक्स्ट इज इमेजरी, यूज ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज. वर्ड्स को इस तरह से यूज किया जाता है पोएम में कि वो उनसे हमारे माइंड में, हमारे आईज के सामने एक विजुअल इम्पैक्ट होने लगता है, एक सीन क्रिएट होने लगता है. जैसे जैसे पोएट एक्सप्लेन करता जाता है पोएम को, वैसे वैसे एक सीन हमारे आंखों के सामने होने लगता है, हमें माइंड में चलने लगता है कि ये हो रहा होगा, ऐसे ऐसे हो रहा होगा ना, एक पिक्चर बनने लगती है. सो दिस इज नोन एज इमेजरी. एंड एलिट्रेशन, वी नो वेरी वेल इट इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. ऑल्दो जब हम रिटन फॉर्म में देखते हैं तो क्या होता है, लेटर्स होते हैं ना, कॉन्सोनेंट्स जो है रिपीट हो रहे हैं, लेटर्स रिपीट होते हैं, बट एग्जैक्टली इट इज साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड इन साउंड्स इन कंसेक्यूटिव वर्ड्स. कंसेक्यूटिव वर्ड्स मीन्स जो नेबरिंग वर्ड्स होते हैं, एक के साथ एक आते हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं वर्ड्स, तो उनके जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो है, दैट इज एलिट्रेशन. क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन मोर टॉपिक इन दिस पोएम. लेट्स टुडे द पोएम वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट. एंड basically it is not a poem, it is a sonnet. What is it? It is a sonnet. So now you will ask, what is sonnet, right? So sonnet is basically a 14 lines poem, right? 14 line poems. इसमें भी हम लोगों के पास two types की poems होती हैं, लेकिन यहाँ जो poet ने use किया है, that is 14 line poems of here he is using, the poet is using two stanzas, and the first stanza is known as octave, and the second stanza is known as sestet. Okay, is sonnet ke ko poet ne aage two parts mein divide kiya. Sonnet kya hoti hai, 14 lines poem hai jisko poet jo hai aage two parts mein divide kar raha hai. फर्स्ट इज नॉन एज, फर्स्ट स्टैंजा इज नॉन एज ऑक्टेव एंड सेकेंड स्टैंजा इज सेस्टेट. अब दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नेम क्यों दिए हैं, दोनों को एक ही नेम दे सकता था ना, बट और ये क्यों डिवाइड हुआ है ये पोएम में. अगर हम लोग ऐसा नहीं है कि पोएट ने कुछ भी लिख दिया, कोई भी लाइन लिख दी, नहीं, उनका एक फॉर्मेट रहता है जिसमें वो अगर एक स्टैंजा ले रहे हैं तो उनके एक फिक्स रहता है कि इतनी लाइन्स वो यूज करेंगे. तो यहाँ सोनेट में पोएट जो है फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज ऑक्टिव, इसमें पोएट यूज करता है 8 लाइन्स. सो ऑक्टिव इज कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइन्स एंड सेस्टेट इज कंसिस्टिंग ऑफ 6 लाइन्स. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट सोनेट्स होती हैं जो यहाँ ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट में यूज हुआ है, दैट इज हैविंग टू पार्ट्स, फर्स्ट इज ऑक्टिव एंड सेकेंड इज सेस्टेट. You will see in the poem also, as you can see here, there are two parts. First is of 8 lines and second is of 6 lines. Okay. So, the part that is consisting of 8 lines, that is known as octave, and the part that is consisting of 6 lines, it is known as a sestet. So, now let's start. The octave part, after then we will discuss the sestet part. Clear? Okay, it's very easy. Samajhna hai bas, hai na? Already discussed about the sonnet, and there are two parts of sonnet, that is octave and sestet. So here I have taken, as you can see, there are two stanzas in the poem, on the grasshopper and cricket. So I have taken the first stanza of the poem, and this first stanza consisting of 8 lines. Here you can see I have written 8 lines, and this is the first stanza, and you know very well the stanza that is consisting of 8 lines is known as octave, right? So let's start the poem now. Let's discuss about the poem, what the poet is saying in this poem.
The poetry of earth is never dead. Here I have written the meaning of poetry of earth also, that is song of nature. So the poetry of earth is never dead. जो song of nature है, nature का song, कि earth जो है, nature जो है, वो अपना song गाती रहती है, that she is alive. She proves that she is alive. So, and she is enjoying, right, the universe, the earth, nature itself. The poetry means the song of nature is never dead. कभी नहीं मरता. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees. जब सारे birds जो हैं nature में, जितने भी birds हैं, insects हैं, वो सारे के सारे खुद को hide कर लेते हैं, faint हो जाते हैं. Means उनकी जो काम करने की जो पार है, उनमें जो एक spark होता है, एक charm है, वो फेंट अवे हो जाता, फेंट मतलब थोड़ा कम होने लगता है विद द हॉट सन. उनका काम करना बंद होता जाता है, उनकी सब एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाती हैं बाहर निकलने पे, जब हॉट सन होता है, मींस कंप्लीटली स्कॉचिंग हीट होती है सन की, ठीक है. तो वो बर्ड्स जो हैं वो फेंट हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं मींस काम करना बंद कर देते हैं. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और छुप जाते हैं वो बर्ड्स. कहाँ छुप जाते हैं? कूलिंग ट्रीज मीन्स जहाँ उनको कूलनेस मिलती है, जहाँ पे वो थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं स्कॉचिंग हीट में. अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मिड. वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्ड हेज नो इन द लास्ट चैप्टर. यस, व्हाट इज हेज? इन द सेकेंड चैप्टर आई थिंक वी हैव डन. सो हेज इज the boundary, fence or boundary formed by closely bushes. झाड़ियों से जो एक फेंस बन जाती है, एक बाउंड्री बन जाती है, that is known as hedge. तो एक वॉइस है, एक आवाज है. किसकी आवाज है आप आगे पढ़ोगे? A voice will run, आवाज जो है वो चलती जाएगी from hedge to hedge, एक फेंस से, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री पर, एक एज से, एक किनारे से दूसरे किनारे पे, एक बाउंड्री से, है ना. अबाउट द न्यू मॉर्न मेडो, मिड न्यू इट्स मॉर्न मिड, दैट मीन्स इन अ, इट इज अ फ्रेज यूज टू डिपिक्ट फ्रेशली ग्रास, एकदम फ्रेश ग्रास को शो कर दिया है. मॉर्न मिड, मिड मीन्स मेडो, है ना. ये भी हमने लास्ट टाइम किया वर्ड मेडो. तो मेडो जो है ग्रासलैंड्स को शो करते हैं. तो मॉर्न मेडो यानी कि न्यू फ्रेश ग्रास में वो एक एज से दूसरी एज पे, वॉइस जो है एक एज से, एक हेज से दूसरी हेज पे रन करती रहती है. किसकी वॉइस है? दैट इज द ग्रास हॉपर्स. वो वॉइस किसकी है? ऑफ ग्रास हॉपर. ही टेक्स द लेट टू इन समर लग्जरी. और जो ग्रास हॉपर है वो लीड करता है. मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ग्रास हॉपर है एंड क्रिकेट, दे आर सिंबल्स, है ना. सो हियर ग्रास हॉपर इज द सिंबल ऑफ समर. वो समर को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है. तो क्या, ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी. तो ग्रास हॉपर जो है लीड करता है बाकी सब चीजों को, समर की जितनी भी लग्जरी है उन सब के लिए. ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट्स. उसकी जो खुशियां हैं, उसकी जो डिलाइट्स हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं. वो हमेशा खुश रहता है. फॉर वेन टायर्ड आउट विद फन. और जब अपने फन से, अपने एंजॉयमेंट से, अपनी खुशियों से वो थक जाता है एंजॉय करते करते, ही रेस्ट. फिर वो रेस्ट करता है ग्रास ऊपर, एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड. वीड मीन्स अनवांटेड प्लांट, जो कहीं भी कभी भी उग जाते हैं, जिनको उगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, अपने आप उग जाते हैं. तो वो रेस्ट करता है जो खुशी देने वाले जो प्लांट्स हैं, जिसमें उन्हें शेडो मिलती है ग्रास ऊपर को, तो उनके नीचे जाके वो बीनीथ मीन्स नीचे अंडर, तो वहां पे रेस्ट कर लेता है वो, ठीक है.
तो ग्रास होपर जो लीड करता है बाकी सब चीजों को, उनका नेतृत्व करता है, उन्हें आगे गाइड करता है कि कहाँ कहाँ वो रेस्ट कर सकते हैं, है ना, कहाँ पे वो एंजॉय कर सकते हैं इस समर को भी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज ऑक्टेव। सो लेट्स टॉक अबाउट द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। इट इज ए, वी नो वेरी वेल हाउ टू नो द राइम स्कीम। वी हैव टू टेक द लास्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन। सो आई हैव मार्क्ड every last word of the stanza. Dead sun, is there any rhyme scheme? No, it is A. Second, no similarity in the rhyme scheme, so rhyming words, there are no rhyming words, so I'll take here B. Sun, run, they are same, so I'll give it B. Dead, met, so it is same, so I'll again give it A. Then let, met, again A. Done, run, sun, they are same, so B. Fun, done, run, sun, again B. Wet, met, dead, it is same, so I'll give it A. So what is the rhyme scheme for red? First we have taken A, then B, then B, then A, A, B, B, A. This is the rhyme scheme of this octave, this stanza. I hope you got it. Now let's talk about the figure of speech. Yes. Which type of figure of speech it is used? First, obviously, earth, it has shown as alive, right? अर्थ जो है वैसे तो नॉन लिविंग है ना, लेकिन इसे एक अलाइव की वो फील करती है, एंजॉय करती है, उसकी भी वॉइस है ना, तो वो पोएट्री कर रही है, सॉन्ग गा रही है, तो उसे अलाइव माना है ना। एक नॉन लिविंग को जब हम लिविंग मानते हैं तो क्या होता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं? यस, इट इज पर्सोनिफिकेशन। सो हियर द पोएट हैज यूज पर्सोनिफिकेशन, और एक इमेजरी भी है ना, कि हम जब भी फील कर रहे हैं कि पोएट्री जो है वो अर्थ जो है अपना सॉन्ग गा रही है, ग्रास ऊपर अपने आप को ट्राई करता है, रेस्ट करता है, जब वो ट्रीज के नीचे जाके बैठता है, एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन होता है हमें ना, कि वो सीन ये सब चल रहा है, ऐसे स्कॉर्चिंग हीट है, तो इमेजरी इज ऑल्सो यूज हियर, इमेजरी एंड what is used, what else is used? Yes, H. So M. What is it? Yes, alliteration. Okay, so these figure of speech are used in this stanza, and this is the rhyme scheme. And what is it? This stanza is known as octave, and this complete poem is known as, with the second stanza, it is a sonnet. Clear? Now let's start the second stanza. The second stanza, as you can see in this stanza, there are 6 lines, so it is known as sestet, right? The stanza that is consisting of 8 lines, that is known as octave, and the stanza that is consisting of 6 lines is known as sestet. So let's start the stanza now. What the poet is saying in this stanza? The poetry of earth is ceasing never. Poetry of earth, हमने पहले भी discuss किया. The song of nature. Nature का song क्या होता है? Have you heard? Have you ever heard? Yes. It is like birds are chirping and some birds are like making different noise in the nature. This is what? This is song of nature. This is the voice of nature, right? Sometimes we heard the sound of water when it falls on the ground, hai na? Woo sound of air, rustling sound of leaves. So these are the sounds of nature itself, hai na? So the poetry of earth is ceasing never. So jo ye sound hai,
आपको लगता है कभी ये साउंड, कभी किसकी साउंड आती रहती है, कभी किसकी साउंड आती रहती है ना, तो ये साउंड कभी खत्म ही नहीं होती है। नेचर का ये सॉन्ग है जो वो कभी खत्म नहीं होती। सीजिंग मीन्स कम और ब्रिंग टू एन एंड, मीन्स एंड पे आना, खत्म होना, तो वो कभी खत्म नहीं होता है। ऑन अ लॉन्ग विंटर इवनिंग, एक विंटर की लॉन्ग, क्यों बोलते हैं विंटर इवनिंग को, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ठंड होती है, इतना चिली वेदर होता है, तो नोबडी कम्स आउट विदाउट एनी रीजन। तो एवरीवेयर वी फाइंड साइलेंस ओनली। सो ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, किसी भी इवनिंग की बात, कोई पर्टिकुलर इवनिंग की बात नहीं हो रही है, द पोएट इज एक्सप्रेसिंग द विंटर इवनिंग एटमोस्फियर। व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट साइलेंस, जब फ्रॉस्ट लेके आती है, रॉट मीन्स ब्रिंग, ब्रॉट अबाउट, ब्रॉट मतलब लेके आना, ले क्या लेके आती है, साइलेंस, क्योंकि हर जगह पे फ्रॉस्ट है, हर जगह पे फॉग है, मिस्ट है ना, धुंध हो रही है इतनी, तो साइलेंस होती है सब जगह पे। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स, और फ्रॉम द स्टोव, इट सीम्स द पोएट व्हेन ही वाज राइटिंग द पोएम, he was sitting nearby a stove. Stove, you can you know very well what is stove. Stove, it is kind of an apparatus for cooking, hai na, it is used for cooking, to jis pe cooking ki jati hai. To their shrills, the cricket song, kiski shrill hai jab wo stove ke near baithta hai apni poetry ko likhne ke liye poet, to kiski sound ko wo sunta hai, cricket सॉन्ग को सुनता है, जो कि बहुत श्रिल है। श्रिल क्या है, हाई पिच्ड साउंड, बहुत तीखी सी जो आवाज होती है, बहुत लाउड कह सकते हो, या फिर श्रिल, एक अनप्लेजेंट सी तीखी सी आवाज वो सुनता है। इन वॉर्मथ इंक्रीजिंग एवर, कि जब वो साउंड आती है क्रिकेट इंसेक्ट की, जो साउंड आती है विंटर सीजन में स्टोव के नियर बैठने पे, जो स्टोव के ऊपर स्टोव की जो एक खुद की वॉर्मथ होती है ना, तो उसके भी चारों ओर अगर क्रिकेट घूम रहे हैं तो उनसे भी क्या होती है, वॉर्मथ आती है, उनसे भी गर्मी मिलती है उस विंटर सीजन में, और वो वॉर्मथ को मतलब स्टोव की तो उससे वॉर्मथ आ रही है, उससे उसे हीट मिल रही है, लेकिन क्रिकेट की जो क्रिकेट की जो सॉन्ग है, श्रिल साउंड है, उनसे जो प्रोड्यूस हो रही है, वो भी क्या प्रोड्यूस करती है, हीट, वॉर्म देती है उसे। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक व्हेन ही वाज राइटिंग द पोएट्री एंड ही फील्स द वॉर्म एट दैट टाइम, ही फील्स दैट एवरीवन, एनीवन कैन फील द ड्राउजीनेस, जब उस वॉर्म्थ में, ठंड में जब उसे वॉर्म्थ मिल रही किसी को, तो उसे क्या होता है, नींद आने लगती है ना, तो जब वो ड्राउजीनेस में स्लीपीनेस, हल्की हल्की कोई लेथार्जिक सा, लेजी सा फील करता है, या नींद आने जैसा फील करता है, हाफ लॉस्ट, तो वो कुछ कुछ खो जाते हैं किसमें, द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। ग्रास हॉपर कहाँ होते हैं, ग्रासी हिल्स में होते हैं, है ना, ग्रास में होते हैं ज्यादातर ग्रास हॉपर्स। तो वो कहते हैं कि इस ठंड में जब वो स्टोव के सामने बैठ के वॉर्म्थ को फील करता है, जब क्रिकेट जो अपना सॉन्ग आता है, तो वो डबल वॉर्म्थ फील करता है, तो उस टाइम पे उसे कैसा फील होता है, जैसे समर के टाइम पे ग्रास हॉपर को देख के फील होता है ना। ग्रास हॉपर किसके सिंबल है, ग्रास हॉपर सिंबल्स है समर के, तो समर फील होती है जब ग्रास हॉपर्स की बात होती है, तो वैसे ही क्रिकेट के सॉन्ग को जब पॉइंट सुन रहा है, तो उसे भी कैसे फील होता है, समर जैसा फील होता है, तो उसे किसकी याद आती है, ही इमेजिन्स ग्रास हॉपर्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आया होगा आई थिंक। सो लेट्स टॉक अबाउट द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, लेट्स चेक ऑल द वर्ड्स ऑफ एवरी लाइन, लास्ट वर्ड ऑफ द एवरी लाइन, लेट्स identify, let's mark the last word of every line. The first line, last word is never, second frost, next shrills, then ever, then lost, then hills. So first is A, obviously never frost,
It is not same, so it is B. Never frost shrills. Is there any similarity? No, so again C. Ever, never, it is same, then A. Lowest frost, it is same, so it is B. Hills, shrills, so it is C. So the rhyme scheme for RET is A, B, C and A, B, C. And for the first stanza, it is A, B, B, A, B, B, A. Right? Anna? So this is the rhyme scheme of this poem. And let's talk about again the figure of speech. Here again it is used personification, as we have already discussed in the first stanza. And again cricket. Here it is and again it is used imagery. Same. Okay. That's it. This is all about the poem. I hope you got it. If you don't, then watch the video again. Okay. And subscribe my channel if it is not still you have not done. And like the video. Thank you. Bye-bye.